अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि यू विल वेरी फाइन। टुडे आई वांट टू डिस्कस अ टॉपिक विद यू पीपल, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स ऑन वेडिंग्स। रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक है। बेटा, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी ग्रुप के अंदर कि सर हमें कोई टॉपिक एक करवा दें, जैसे हमने अपनी एग्ज़ाम के अंदर लिखनी है रिपोर्ट राइटिंग, वैसे हमें कोई एक मुकम्मल तौर पर एक बनी बनाई रिपोर्ट हमें उस समझा दें। तो उसी के साथ मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों के सामने। तो बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों ने आपको एक टॉपिक मिलेगा कि राइट अ रिपोर्ट। आपको टॉपिक मिलेगा पेपर के अंदर कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द टॉपिक, राइट अ रिपोर्ट टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द डॉन ऑन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स ऑन वेडिंग्स। तो आप लोगों ने करना क्या है कि उसमें से आप देखेंगे कि किस शख्स को आपने रिपोर्ट भेजनी है। सबसे पहले आप अपनी डेट मेंशन करेंगे, 15 मई 2006 टू द एडिटर। के बाद द एडिटर क्या है, एडिटर उस न्यूज़पेपर का एडिटर है। द डॉन उस न्यूज़ का नाम है, लाहौर वो इलाका है जिसके अंदर वो न्यूज़ जो है वो पब्लिश्ड होती हैं, न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश्ड होते हैं, उसका नाम लिखना है लाहौर। उसके बाद फ्रॉम किसके ज़रिए, कौन इसको लिखने वाला है, ABC या सोशल वर्कर, यानी कि आप खुद, आपने अपना नाम नहीं लिखना, आपने सोशल वर्कर लिखना है जस्ट। और जो सब्जेक्ट होगा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स ऑन वेडिंग आपने लिख देना है। इसके बाद सर लिखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। आई एम अ सोशल वर्कर, मैं एक सोशल वर्कर हूँ फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड NGO। फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, विच इज़ वर्किंग फॉर द अपलिफ्ट ऑफ कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान, जो कि आम लोगों की भलाई के लिए काम कर रही हैं। एज अ सोशल वर्कर आई वॉज ग्रेटली शॉक टू फाइंड दैट द रिच पीपल ऑफ आवर सोसाइटी आर वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन मैरिजेस एंड द सेरेमनीज कनेक्टेड विद दैम। तो आप लोग देखें कि इंट्रोडक्शन के अंदर जस्ट वो आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी कंक्लूजन पहले दे देनी है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर भी यही हो रहा है कि जो जिस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है उसको सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है। आगे जो जैसे वो कहते हैं कि दिस हैज़ क्रिएटेड एन इम्बैलेंस इन सोसाइटी, तो गैर तवाज़न सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे, और कहते हैं कि आई एम ग्रेटली कंसर्नड एट दिस सिचुएशन, इफ़ दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स कंटिन्यूज इट मे क्रिएट्स मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर द प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑफ आवर कंट्री। आई हैव प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट अगेंस्ट दिस इवल फॉर कॉमन अवेयरनेस of an educated man of our country, I submit the report as under। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को करेक्टरिस्टिक्स करवाए, इंपॉर्टेंस करवाए, जो आप लोगों को बैकग्राउंड बताया रिपोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन को आपने सबसे टॉप के ऊपर लिखना होता है, कंक्लूजन को आपने सबसे टॉप के ऊपर लिखना होता है। तो अभी भी देखें कि इस सिर्फ इंट्रोडक्शन के अंदर आपको पूरा का पूरा जो इशू था उसको हाईलाइट करवा दिया गया है कि इशू क्या है, कि ये है कि सोसाइटी के अंदर जो रस्म और रवाज चल रहे हैं, जो पैसा ज़ाया किया जा रहा है शादियों के ऊपर, उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाना चाहिए। इसके बाद शो ऑफ वैनिटी कहता है कि नाउ अ डेज, अब आगे वो क्या है कि अपनी रिपोर्ट लिख रहा है तो वो उन्होंने डेटा इकट्ठा किया। नाउ अ डेज मैरिज हैव बिकेम अ शो of wealth and affluence, the rich people and a huge amount of money on the marriage of their sons and daughters, they simply want to impress their friends, relatives and other members of society with this show of wealth। The show of vanity hai, yani ke apne paise ka dikhawa hai। Aaj kal society ke andar kya ho raha hai, shaadiyon ke upar sirf aur sirf dikhawa kiya ja raha hai, dikhawa ho raha hai ki har ek shakhs apne bachon ki shaadi pe kitna paisa lagata hai। To आप लोगों ने पैराग्राफ की शेप के अंदर रिपोर्ट लिखनी है, उसके अंदर आप लोगों ने ये जो हेडिंग्स हैं इंट्रोडक्शन, शो ऑफ वैनिटी या वेस्ट ऑफ मनी, ये आप लोगों ने नहीं लिखनी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा का ये स्ट्रक्चर है कि जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा और बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ का, ये जो BS के बच्चे होंगे वो तो ये लिख सकते हैं, वो तो ये हेडिंग लिख सकते हैं, लेकिन जो ADS के, जो ADA के बच्चे हैं, उन्होंने हेडिंग्स नहीं लिखनी, उन्होंने जस्ट पैराग्राफ की शेप के अंदर बताना है। तो यहाँ पे रिपोर्ट आगे चलते हुए पहले इंट्रोडक्शन बताया और उसके बाद शो ऑफ वैनिटी, यानी कि जो पैसा है वो ज़ाया करती है, दिखावा करती है। तो हम पैसा किस किस चीज़ के ऊपर ज़ाया करते हैं, अगले पैराग्राफ के अंदर बताया गया आप लोगों को। इट हैज़ बीन नोटेड
with concern by the writer of the report that many functions are arranged on the occasions of marriage, singing and dancing girls and boys are booked for Rasme Hina. Hundreds of guests are invited. Rasme Hina is celebrated with full glitter. The families of the bride and bridegroom try to suppress each other in show of wealth. Many dishes are cooked and served to the guests. Much of the food goes waste. The function continues the whole night. Firing takes place without any hindrance. तो वेस्टफुल वेस्ट मनी का हम कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, हम डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ अरेंज कर रहे हैं, हम लोग रस्म हिना कर रहे हैं. रस्म हिना क्या है, हम लोग कहते हैं कि मेहंदी की रस्म है. मेहंदी की रस्म के अंदर हम अपने यहाँ पैसा ज़ाया कर रहे हैं. इसके अलावा हम लोग मुख्तलिफ़ इकसाम के खाने हम लोग जो कुकड कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसके ऊपर हम अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं. इसके अलावा जो सिंगिंग एंड डांसिंग का कंपटीशन हम लोग करवा देते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग की सरमनी हम लोग करवा देते हैं, उसके अंदर भी अच्छा खासा हम लोग पैसा लगा रहे हैं. तो ओवरऑल बताया ये गया कि हम लोग अपना पैसा, बेतहाशा किस्म का पैसा जो है हम ज़ाया कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर. और सारी रात हम लोग गाना बजाना करते रहते हैं और इसके बाद हम लोग फाइनिंग वगैरह करते रहते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा पैसा ज़ाया. और इसके बाद क्या है कि वेस्ट ऑफ मनी ऑन ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम. तो हम लोग दूल्हा और दुल्हन के ऊपर भी बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं. द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम स्पेंड अ लॉट देयर पर्सनल डेकोरेशंस एंड मेकअप द वीडियो. द वीडियो फिल्म इज मेड ऑफ द फुल जेनरोसिटी. द ब्राइड ब्रिंग्स विद अ कॉस्टली डॉरी. द ब्राइड ग्रूम स्पेंड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन वलीमा. The whole functions of wedding lack simplicity and piety. The principles of Islam and Shara regarding parda are violated. अब इसके अंदर मसाइल कौन कौन से पेश आते हैं. सबसे पहले ये बात है कि हम लोग जब क्या करते हैं कि हम लोग पैसा लगाते हैं किन किन चीज़ों में, अपनी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर भी, यानी कि हम लोग दूल्हा और दुल्हन को सजाने के अंदर दूल्हा और दुल्हन के लिए भी बेताशा किस्म का पैसा लगाते हैं. अगर हम दुल्हन की बात करें तो दुल्हन के घर वाले क्या करते हैं कि पैसा जहेज़ के ऊपर वो पैसा लगाते हैं. इसके बाद अगर हम ब्राइड ग्रूम की बात करें तो वो बेतहाशा पैसा वलीमा के ऊपर लगा देते हैं, यानी कि वलीमा के ऊपर अगर वो थोड़े से लोगों को भी बुलाएं तो शादी हो सकती है, लेकिन वो थोड़े लोगों की बजाय वो एक पूरा का पूरा क्या है कि हजूम इकट्ठा कर देते हैं. कुछ जानने वाले हो ना हो उन सबको बुला देते हैं ताकि शो ऑफ हो सके कि हमारे पास कितनी वेल्थ है. इसके बाद जो शरा, यानी कि जो हमें शरीयत कहती है, हमारा जो रिलीजन हमें कहता है इस्लाम, कि ये पर्दा करना चाहिए, उस पर्दे को वायलेट किया जाता है, उस पर्दे की जो पर्दा है उसको वायलेट किया जाता है और ये प्रॉब्लम वहाँ पे हमें नज़र आती हैं. सजेशंस दी हैं लास्ट पे, जैसे आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने सजेशन देनी है कि किस तरीके से बचा जा सकता है इस मसाइल से. इट इज़ सजेस्टेड दैट द लॉ शुड बी फर्म टू इन्फोर्स सिंपलिसिटी ऑन वेडिंग्स एंड मैरिजेस. सजेशन पहली यही है कि आप लोगों ने सादगी इख्तियार करनी है. आप लोग सादगी इख्तियार करेंगे, सादगी होगी तो उसकी वजह से शादियां आसान हो जाएंगी. इन सादगी ना होने की वजह से शादियां आजकल बहुत मुश्किल हो रही हैं. द डोरी सिस्टम मस्ट बी डिस्करेज. जो जहेज़ का सिस्टम है, जो जहेज़ एक लानत है, इसको ख़त्म होना चाहिए हमेशा ही. इसके बाद द लॉ ब्रेकर्स मस्ट बी पनिश सीवियरली. और जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं रात के वक्त स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स, गाने बजाना, महफिलें करते हैं, उनको स्ट्रिक्टली क्या है कि पनिश करना चाहिए. और इसके बाद बाकी किसी भी किस्म का कानून अगर वो तोड़ते हैं रात के वक्त, फायरिंग करते हैं, उन सबको सज़ा देनी चाहिए. लास्ट पे आप लोगों ने राइट साइड पे साइन कर देने, साइन एक्स वाई जी ही आपने लिखने हैं, आपने अपने नाम के साइन नहीं करने, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के अंदर प्रोहिबिटेड होता है कि अपने इदारे का नाम और अपना स्टूडेंट का नाम जो है वो आप लोगों ने नहीं लिखना. होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. मज़ीद एक और सैम्पल भी हम कल डिस्कस करेंगे. इन दोनों का स्ट्रक्चर आप लोग देख लें. इसके बाद किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया.